नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी आपके साथ। लॉकडाउन 57 घंटे के लॉकडाउन का दूसरा हफ्ता रीवा के लिए कतई अच्छा नहीं रहा। मैं आपको बताऊं, रविवार को जहां 13 पेशेंट मिले, रीवा शहर की बात की जाए तो यह आंकड़ा 200 को क्रॉस कर चुका है। अभी तक 211 पॉजिटिव पेशेंट रीवा शहर में, या यूं कहें रीवा जिले में पाए गए। मैं आपको बताऊं, उसमें से अभी एक्टिव पेशेंट 102 हैं, 8 पेशेंट की मौत हो गई। इस तरीके से कहा जा सकता है रीवा शहर की स्थिति कतई अच्छी नहीं है। न्यूज नेटवर्क की टीम ने पहले भी खुलासा किया था, आप सबको सचेत किया था, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, शासन के दिशा निर्देशों का पालन करिए। लेकिन रीवा जिले की जनता ने इस पालन को पूरी तरीके से नकार दिया, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। नतीजा आपके सामने है। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी ने, जी हां, रीवा कलेक्टर ने सोमवार को भी रीवा बंद रखने का फरमान जारी कर दिया गया है। निश्चित रूप से प्रशासन ने इस कदम को बहुत सोच समझ कर उठाया है। जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में रीवा शहर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की बारिश हुई, पहले 20, फिर 21, फिर 13, निश्चित रूप से एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। आज रीवा शहर के तमाम उन इलाकों में अगर बात की जाए तो लगातार संक्रमित मरीज पाए गए। सबसे एक दुखदायी जो समाचार आया वह था पुष्पराज नगर से। पुष्पराज नगर में एक परिवार में कल 13वीं थी, वहां के एक लड़के को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। काफी समझाइश के बाद वह लड़का क्वारंटाइन सेंटर में जाने के लिए तैयार हुआ, अन्यथा वह अपने घर पर ही क्वारंटाइन होने की बात पर अड़ा हुआ था। निश्चित रूप से रीवा जिले में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण, एक चौंकाने वाली बात यह भी है, रीवा के डॉक्टर संजय गांधी अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर जिस तरीके से एक के बाद एक कोरोना वायरस से संक्रमित नजर आ रहे हैं, उसको लेकर यहां पर काफी लोग परेशान है। वो मरीज जो अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थे, संजय गांधी अस्पताल की ओर कतई जाना नहीं चाहते। न्यूज नेटवर्क की टीम भी आप तमाम रीवा जिले के लोगों से साफ तौर से गुजारिश रखती है, आप अपना और अपने परिवार का बेहद ख्याल रखिए। यह ख्याल कैसे रखा जा सकता, सीधा सा अर्थ है सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना। साफ तौर से मैं आपको बताऊं, आज की तारीख तक कोरोना वायरस की दवा नहीं बन पाई है, उसका एकमात्र इलाज सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ही बताया गया है। मास्क लगाइए, घर पर रहिए, बाजारों में मत घूमिए। लेकिन यहां के लोग यह भी मानने के लिए तैयार नहीं। यातायात पुलिस जिस तरीके से लगातार चालानी कार्रवाई कर रही है, वह अपने आप में ही यह बताने के लिए पर्याप्त है। रीवा शहर के लोग सड़कों पर अफरा तफरी करने के लिए लगातार टहल रहे हैं। मैं आपको निश्चित रूप से सोमवार को भी रीवा शहर की गतिविधियों से आपको परिचित कराऊंगा। लगातार हमारी टीम एक एक रीवा शहर की एक छोटी सी छोटी घटना पर नजर रखेगी। लेकिन आज की तारीख में यह आंकड़ा, जब 200 कोरोना वायरस से संक्रमित, 211 पेशेंट, एक्टिव मरीज भी 100 से ज्यादा, बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं। आपसे एक बार फिर से रीवा न्यूज नेटवर्क की टीम गुजारिश करती है, आपसे दरखास्त करती है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।